हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। कल फ्रेंड्स मेरे को फुर्सत नहीं थी तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस डाल दी थी, तो आपने देखी ही होगी वो। मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने अपने बताई थी ना, हेयर कट कराने गई थी और हेयर कलर, तो मैंने वो वीडियो डाली थी। वो पुरानी वीडियो थी तो मैंने बोला वीडियो तो डालनी होती है, तो मैं अपनी एक वीडियो उसमें से डाल दी थी। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, आप भी देखिएगा फ्रेंड्स क्या बना रही हूँ। बच्चों को चाहिए ब्रेड जैम, वो बना रही हूँ। और कल मैंने राजमा की रेसिपी नहीं दे पाई फ्रेंड्स, फिर बनाऊँगी फिर देखूँगी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बना रही थी तो मेरे को टाइम नहीं मिला शूट करने का। तो मैं बहुत जल्दी थी, गर्म चीज़ें थी, गिर पड़ने का डर रहता है तो एक जगह ध्यान कर लेती हूँ तो मेरा फिर दूसरी जगह। अभी आदत में धीमे धीमे आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं चालू रखूँगी तो आपको दिखा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं देखिए फ्रेंड्स बना रही हूँ ब्रेड और जैम। ब्रेड जैम बना लेंगे, पहले इसकी ख़त्म कर लेते शीशी, फिर अपन ये नई वाली खोलेंगे। ये कल मैं ले आई थी, बच्चों को चाहिए होती है फ्रेंड्स, अर्जेंट है उनकी तो लेना पड़ती है फ्रेंड्स। तो मैं पहले हीट अप हो गई है मशीन, तो बना रहे हैं। आप भी बताइएगा फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी फ्री होके एक रेमेडी फेस के लिए एक रेमेडी बताऊंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चाय के लिए दूध, मैं डाल रही हूँ चीनी, डाल दी शक्कर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वायरल बहुत बुरा फैला हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग भी बच के रहिए इतना हो सके। ये अदरक, ओ फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ब्रेड, ये देखिए। अब मैंने दूसरा ब्रेड का वो रख दिया, उसको लगाऊंगी। ये ब्रेड जैम मेरी रेडी, मेरे बच्चे को बहुत जल्दी है, उसको थोड़ा दे देती हूँ पहले, उसके बाद मैं और सब इकट्ठी लगा लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये लग गई, हाँ दो पहुंचो सर जी, लो जाओ। तो फ्रेंड्स ये मेरे हस्बैंड अपनी कैंटीन से लाए थे, उधर से, उधर उनके ऑफिस के पास कैंटीन पड़ती है तो वहाँ सब सही सामान मिलता है, वो वहाँ से ले आते हैं। जो सामान कैंटीन में नहीं होता तो वो मॉल या दुकानों से ले आते हैं मुझे। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने कर लिया ख़त्म, अब इसको पानी भर के रख दूँ। ये हो गया है चाय, इसको अच्छे से मैं
और ये ब्रेड भी सिकती जा रही है मेरी। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको थोड़ी, ये देखिए, अब मैं ये दूसरी रख रही हूँ, तीसरी, ये थर्ड बैच बन रहा है ब्रेडों का। मैं आपको फ्रेंड्स फेस के लिए एक रेमेडी बताऊंगी, जो अपने चेहरे पे से, जैसे कुछ महीने में आप लोग फेशियल वगैरह कराते हैं तो जैसे अपने फेशियल का ग्लो वगैरह आता है नेचुरल तरीके से, फ्रेंड्स मैं इतना अच्छा ग्लो बताऊंगी आपको कि जो आपकी ग्लो जाएगा ही नहीं चेहरे से। मतलब आप उसको बीच बीच में जैसे फेशियल कराने चाहते हैं उससे पहले, फेशियल से भी अच्छी चीज़ है, आप उसको करा लें, कर लें घर पे, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत बढ़िया चीज है। तो मैंने तो फ्रेंड्स, अपन फेशियल वगैरह नहीं करते, थोड़ा हल्का सा डल लगने लगता है, तो फेस डल लगने लगता है, तो फ्रेंड्स वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। आप भी कहेंगे हाँ, ये मेरी चाय बन गई फ्रेंड्स, मैं इसको छानने लगी हूँ। अब इसको छानने के बाद अपन ले लेंगे, ढक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब खोलते हैं ये वाला जैम का डिब्बा। शाम को मैं जैसे कुछ बनाऊंगी फ्रेंड्स तो आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स फ्राइडे हमारे आज के दिन पूजा बहुत होती है, और रोज तो होती है, फ्राइडे को देवी माँ का स्पेशली वो माना गया है मंदिर का, मैया का, तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं फ्राइडे के दिन। तो मैं मंदिर जाऊंगी, नाइट में जाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नाइट में रथ जगह होता है मैया के वहाँ पर मंदिर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खोल लिए मैंने, और ये लगाती हूँ ब्रेड और जैम। मेरा बेटू खाता जा रहा है, मैं लगाती जा रही हूँ। 2 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसका कैसे ध्यान रखना है, आपको वैसे कोई अपना अलग तरीके से रखता है, मैं कैसे रखती हूँ वो आपको बताऊंगी जब फुर्सत मिलती है, तो अच्छे से रख लेती हूँ। वरना रोज तो वही है, फेस धो लो और अच्छे से अपनी नाइट क्रीम लगा लो। नाइट क्रीम मैंने आपको बताई थी मेरी फेवरेट, और एक चीज़ सिरम है फेस का, वो भी बताऊंगी फ्रेंड्स आपको मैं कौन सा सिरम लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ब्राइड होती जा रही है। दिन में फ्रेंड्स मेरे से खाना तो खपता नहीं है, और ना मैं खाना खाना पसंद करती, मुझे दिन में खाना खा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत होने लगती है, मैं दिन में खाना नहीं खाती, दिन में मैं हैवी नाश्ता कर लेती। हाँ मॉर्निंग में आप मुझे ज़रूर खिला सकते हैं, मुझे 5 बजे के टाइम पराठा वराठा होता है ना, मैं नाश्ता बनाती तो एक पराठा वगैरह ऐसे ले लेती हूँ। और दिन दोपहर में मेरे से कहो के खाना खा लो नहीं खाता, हल्का फुल्का खा लेती हूँ, जैसे कि दाल चावल ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ फ्रेंड्स, वरना आप मेरे से कहेंगी कि मैं उस समय खा लूँ, दोपहर में जो इससे होता है सबका खाने का टाइम, मैं नहीं खा पाती फ्रेंड्स। यही छोड़ो, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, वो उनको भी ऐसी चीज़ चाहिए, पास्ता बना दीजिए माँ, दाल चावल है वो दे दीजिए, खाना नहीं खाते मैम हम लोग, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं नाइट में, और दिन भर हमारा यही चलता रहता है, कुछ बना लिया, कुछ खा लिया, कुछ और बना लिया, यही खाते रहते हैं फ्रेंड्स हम लोग।
ना वायरल में अभी मैं धीमे धीमे फ्रेंड सही हो रही हूँ। तो मन चले हैं ब्राइड जैम बस फ्रेंड्स, मैं आपको जो जो फेस के लिए जो भी बताऊंगी आप इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। डल चेहरा भी इतना अच्छा होने लगेगा क्लीन। और फ्रेंड्स उसके साथ तो एक हेल्दी ड्रिंक्स भी है, वो भी आप पियेंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। कहते हैं फ्रेंड्स, खाने से ज़्यादा अच्छी खाने में चीज़ लोगे तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर आप खाने में अच्छा खा रहे हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। मैं खाने में ज़्यादातर अपनी अच्छी चीज़ें लेती रहती हूँ, खाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं खाने में बहुत देर तक वेट नहीं करती किसी का भी, मैं खा लेती हूँ। मैं किसी अपने हस्बैंड का भी नहीं करती हूँ, उनने कहा है मेरी ऑफिस की ड्यूटी कुछ ऐसी ही है आप खा लिया करो। तो मैं पहले तो वेट करती थी नहीं नहीं मैं, फिर उन्होंने कहा कि आप कितनी देर बैठे रहोगे तो आप खा लिया करो। मैं फ्रेंड्स सब खा लेती हूँ, मैं उनके चक्कर में भूखी नहीं बैठती। और मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, मेरे फ्रेंड ऑपरेशन बहुत हो गए हैं, मेरे ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद से मेरे को क्या है भूखा रहने में डॉक्टर ने मना किए, भूखा नहीं रहिए आप, खाना टाइम पे अपना नाश्ता वगैरह जो भी खाते हैं खा लिया करें। तो बस फ्रेंड्स इसी के चक्कर में और नहीं रह जाता, मैं खा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन गई है चाय। ये फ्रेंड्स दूध ही दूध की, बच्चे भी इस समय पी लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चाय नहीं मिलती उनको, ना मैं पीती हूँ ना उन्हें देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बन गई, ये मेरी बेटी की है, मेरा बेटा खा चुका। और ये मैं खाऊँगी, इसमें नमक और घी लगा हुआ है बस। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो और रख ली अपने लिए, नमक घी वाली ब्रेड। और ये हो गया, अब मैं खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। माता रानी को भूख लग गया है, मतलब लगेगा चाय का और उसका। तो मैं फ्रेंड्स उसके बाद आपको फिर मिलती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय फ्रेंड्स। ये मैंने कैरी की चटनी, इसमें कैरी और टमाटर और थोड़ा सा नमक दो हरी मिर्च ये डाला है। थोड़ी सी दो मूंग लिया, थोड़ी सी मतलब इतनी मूंग फिर डाले मैंने, एक चम्मच दो चम्मच। देखिए फ्रेंड्स ये बन रहा है मेरे का प्रसाद हलवा। सूजी घी में डाल के मैंने भूनना स्टार्ट कर दिए, ये भून जाएगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जैसे इसमें माता रानी की प्रसाद बन रही है, क्योंकि आज फ्राइडे है, दीदी माँ का ये हलवा बन रहा है। और ये मैं बीन्स, और ये हलवे के लिए एक कटोरी शक्कर है, ये हलवे के लिए पानी, और ये बीन्स और मैंने चने की, जिससे फ्रेंड्स ताकत भी आती है, तो इसलिए मैं इसकी बीन्स और चने की सब्जी बना रही हूँ। और ये हलवा, और इधर मैंने चला दी मूंग की दाल। देखिए इसमें फ्रेंड्स मैंने डाला है पानी, नमक, हल्दी, धनिया और एक चम्मच ऑयल डाल दी, जिससे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से, और नमक। बस अब इसमें अपन अच्छे से फ्राई करेंगे, जब छौका वोका लगाएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स ये सूजी का हलवा हो जाए रेडी।
हो रहा है। ये बात है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और नमक ये मैंने डाल दिया। बस अब इसको अच्छे से चला के अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे फ्रेंड्स, जिससे चने जो डले हैं और ये बीन्स अच्छे से, ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे बस, ठीक है। और इसको अच्छे से इसकी लेड लगा देंगे और ढक देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेड लगाने ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लेड लगा दी। देखिए फ्रेंड्स, दाल का चौका, इसमें मैंने घी डाल दिया, मुझे जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा सौंधा सूखा रखना है। तो इसमें मैंने डाला है घी 1 चम्मच, राई और एक थोड़ी सी हींग डालूंगी अभी, और ये 2 सूखी मिर्ची डालूंगी, इससे अच्छा बढ़िया सा भगार लगता है, ठीक है। और मैं आटा गून चुका है, तो बस अब मैं रोटी बनाऊंगी। और ये देखिए चने हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ठीक है, ये तुम डाल देते हैं, इसको डाल देना, क्योंकि ये रेडी हो चुके हैं। और इसको डाल देंगे, देखिए फ्रेंड्स ये दाल हो चुकी है, इसमें अपन डाल देंगे, ज़्यादा तेज होगा फ्रेंड्स, अच्छा नहीं है, ठीक है। दाल हो चुकी, सूप कितना पीजिए इसे फ्रेंड्स, रोटी बन गई है। इनको ओपन दबा के सेकेंगे, तो मैं सेकने में लगी फ्रेंड्स, दिखाओ नीचे, दिखाओ इसको, दिखाओ खाने को। ए जी फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा शूट कर रहा है, खाना दिखा रहा है वो कि माँ ने ये बनाया है। ये रोटी लाई, ये मैंने खाना बनाया है, आलू मटर की सब्जी, दाल, चटनी, बीन्स की और हलवा। भैया ने भूख लगा लिया है, अब आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, हम सब जने अब खा रहे हैं, पापा और सब जने खा रहे हैं, स्टार्ट खाना चालू हो गया, बच्चे खाने में लग गए, सिर्फ मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और सब 2 भैया वगैरह भाभी वगैरह कहीं गए हुए, उनकी सेफ के रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं खाना वाना बना के खिला के फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से, तो आपको थोड़ी देर से खाना वाना बना के खा के खिला के सबको फिर मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।